नाइस नेक्स्ट नाइस नेक्स्ट नाइस नेक्स्ट सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। वैसे आज है 14 फेब, मतलब वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे में हम लोग आए शूट करने। वैसे मेरा एक दोस्त है, वो पहले मॉडलिंग वगैरह करता था, अभी अच्छा खासा मॉडल बन गया, और दिल्ली के लाजपत नगर के ऊपर बुटीक का शॉप है, मतलब ब्राइड और ग्रूम का कस्टमाइज सारे ड्रेसअप मिलते हैं, तो इसी चीज़ के लिए शूट करने आया हूँ। बाकी सब तो यार वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है ना फोटोग्राफी, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने प्रोफेशन को। तो यार 14 फेब के दिन ये काम बहुत मुझे सही लगा कि प्यार वाले चीज़ प्यार वाले दिन ही करना चाहिए। बाकी मैं नीचे लेके चलता हूँ, तौसीफ से भी मुलाकात करवाता हूँ, और गौरव भी है मेरे साथ। तो बने रहो ब्लॉग में, चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं करते तो इंस्टा फेसबुक में फॉलो कर लेना। बाकी मैं बुटीक के शोरूम दिखा देता हूँ, एड्रेस भी बता दूंगा, तौसीफ से भी कुछ बातचीत करेंगे। ओवरऑल ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है गाइस। सो गाइस हमारा शूट तो चल ही रहा है, अभी 10-10 ड्रेस का शूट होना है, मतलब टोटल 40, चार मॉडल हैं, 10 इनके 10 उनके 10 वहाँ, और 10 मेकअप चल रहा है। और भाई ये भाई से बात करेंगे आराम से, पहले शूट ख़त्म हो जाए उसके बाद आराम से बैठ के बात करेंगे। बाकी आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो। नाइस नेक्स्ट नाइस नेक्स्ट नाइस नेक्स्ट परफेक्ट फोटो ले रहा हूँ, सॉलिड गेस। अभी जस्ट चार मॉडल के, मतलब मेल्स मॉडल के 5-5 ड्रेस खत्म हुए हैं, और फीमेल मॉडल के 2-2 ड्रेस, 40 करने, 10 × 4। तो वैलेंटाइन डे में यही काम है अपना यार, क्या करें। लेकिन मज़ा आ रहा है, अपने प्रोफेशन जब पैशन प्रोफेशन में बदल जाता है ना, तो काम करने में बहुत मज़ा आता है सीरियसली। सो लेट गेस, ये लाजपत नगर का मेन मार्केट है, वहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आओगे आयुष ग्रूम ब्राइडल स्टूडियो करके है यहाँ पे, यहाँ पे ब्राइडल के ड्रेस और ग्रूम के ड्रेस रेंट पे भी देते हैं। तो वैसे यहाँ पे तौसीफ काम करता है, तौसीफ ने मुझे शूट के लिए बुलाया, और मुझे लगा थोड़ा बहुत ब्लॉग में ऐड कर देता हूँ यार। अगर दिल्ली से कोई देख रहे हो, किसी को ज़रूरत है तो ब्राइडल ड्रेस या ग्रूम के ड्रेस रेंट पे मिलता है, ख़रीद भी सकते हो, कस्टमाइज़ करते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर वगैरह है, इनका वेबसाइट है। मैं नॉर्मली ब्लॉग में थोड़ा बहुत क्लिप ऐड कर रहा हूँ, बाकी शूट चल ही रहा है। और थोड़ा सा जूम करता हूँ, नीचे देख सकते हो 5 मॉडल है टोटल, 10-10 ड्रेस, अभी एक मॉडल और एक्स्ट्रा बुलाया गया, मतलब 10-10 ड्रेस, टोटल 50 ड्रेस। सुबह से आया पड़ा हूँ, 4 बज रहे हैं, मतलब वैलेंटाइन डे मेरा ये बन रहा है मेरे कैमरा के साथ। तो गाइस अभी हम लोगों ने लंच किया, और लंच के बाद मेकअप कंटिन्यू चल रहा है कि ये रहा बंदा, एक दिन में 50 ड्रेस का शूट रखा है, समझ सकते हो। मानना पड़ेगा इनको जो 50 शूट करे, धड़ाधड़ पोस्ट चेंज सॉरी कर दूंगा, 1000 भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ताड़ियां भाई इनके लिए। तो वैसे आज स्पेशल डे है, प्यार वाला दिन, तो सब प्यार बांट रहे एक दूसरे को। हाँ, लेकिन हम काम बांट रहे, मेहनत बांट रहे, मेहनत कर भी रहे हैं ना, मेहनत जारी है, कैरी ऑन। और भाई यार देख रहे हो अभी कहाँ लेवल पे पहुंच गया। अरे कुछ नहीं भाई, अभी सब इतने से भाई की दुआ से, इतने से अभी और बोलना है, सिर्फ झूठा झूठा तारीफ कर रहे भाई की दुआ से, भाई ने कुछ भी दुआ नहीं किया, भाई का सपोर्ट था शुरू में, सबसे भाई ने सपोर्ट किया, सबसे पहले भाई का सपोर्ट था, और वैसा ही रहेगा जिंदगी भर, भाई का प्यार ऐसी रहेगा तो हमेशा रहेगा, भाई का सबसे पहले सपोर्ट भाई का। लेकिन भाई का चैनल इसने सब्सक्राइब नहीं किया, पता भी नहीं होगा कि यूट्यूब में चैनल है भाई का,
ये बात कह रही हो, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करना। तो लड़गेस हम लोग अभी आउटडोर पे शूट करने आ गए, दोनों दुल्हन और दोनों दूल्हे, नकली दुल्हन नकली दूल्हे रेडी है। और मैं बिजी, मतलब क्या ही बोलूँ यार, कम से कम 35 ड्रेस हो गए, 5 बज रहे हैं, 15 ड्रेस रह रहा भाई साहब, मेरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन कोई नहीं, सही है। भाई कैसा लग रहा है दूल्हा बन के? दूल्हा बन के आज फीलिंग अच्छी आ रही है, शादी से पहले हम दूल्हा बन चुके हैं और देखते हैं आगे कितनी बार दूल्हा बनेंगे। एक ही बार ही बनोगे? एक ही बार, अभी दूसरी बार बनना ना रियल दूल्हे बने, अभी रियल बनना बाकी, ये रील वाला है। निकालो मत, निकालो मत, निकालो मत। तलवार थोड़ा हल्का सा डाउन इधर, नहीं पीछे जी, हल्का सा डाउन। सो लेट गाइस, शूट करते करते यार बैटरी ख़त्म हो गई और लाइट भी ऐसे ऑन ऑफ हो रहा है। अभी टाइम देख रहे हो 6:30 बज रहे, मैं लगा पड़ा हूँ कंटिन्यू। अभी जस्ट एक ड्रेस रह रहा है, बैटरी जैसे आती है अब दूसरी जगह रखी हुई है, वो आते ही शूट कंटिन्यू करूँगा, फिर घर जाऊँगा और मस्त होऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर ब्लॉगिंग के लिए कहीं ना कहीं जाना है। वो अंधेरे दिख नहीं रहा, ये वो बंदा जिसने घपला किया 50 ड्रेस का, ये वो बंदा है। सो लेट गाइस, अभी 8 बज रहे हैं घड़ी में, शूट ख़त्म करके पेमेंट वगैरह लेके घर जा रहा हूँ, घर नहीं जा रहा हूँ, गौरव के घर जा रहा हूँ, वहाँ पे लाइट स्टैंड वगैरह रख के फिर पांडे जी के रूम पे जाऊँगा। तो मैं सीधा पांडे जी के रूम पहुँच के बाकी बात करता हूँ आज का दिन कैसे गया, और कल फिर एक यूट्यूबर से मुलाकात है न्यू ब्लॉग के साथ, कल होगा, बाकी आज के बाद मैं घर पहुँच के ही करता हूँ। सो लेट गाइस, जस्ट शूट खत्म करके घर आया और फोन चार्ज पे लगा के ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि फोन में बिल्कुल चार्ज नहीं था और काम ही काम था, लेकिन बहुत अच्छा गया यार। वैलेंटाइन डे था, एक तो प्यार का दिन है तो अपने प्यार के साथ ही गुजारा, मतलब मेरा प्यार लड़की नहीं है, कैमरा है यार, सबको किसी ना किसी चीज़ से प्यार होता है, मुझे कैमरे से प्यार है, तो प्यार के साथ गुजारा, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ओके यार, काम करते रहना चाहिए हमें। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग एक बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग आने वाला है गाइस, सो उम्मीद करता हूँ ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाना। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, न्यू धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।